रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को पत्र लिखकर उदित इफ्रा केप से 7,93,00,000 की राशि वसूली और इसके संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। पूर्व विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उदित इफ्रा केप द्वारा वर्ष 2020 से 21 से 2023-24 तक भंडारित गेहूं को अन्यत्र बेचकर उसी गेहूं की फर्जी नीलामी करने का मामला सामने आया है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि रीवा जिले में उदित इफ्रा केप द्वारा भंडारित गेहूं का उचित रखरखाव नहीं किया गया, जिसके कारण भारी मात्रा में गेहूं खराब हो चुका है। इसके बावजूद खाद्य विभाग ने 27 जून 2024 को पत्र क्रमांक 1569 के माध्यम से नीलामी कराने का निर्णय लिया, जो कि शासन के साथ धोखाधड़ी है। उचित इफ्रा कैप द्वारा भंडारित गेहूं का उचित रखरखाव न किए जाने के कारण 31,724 क्विंटल गेहूं खराब हो गया। इस गेहूं की कीमत 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 7,93,00,000 रूपए है। इस नुकसान के लिए खाद्य विभाग ने न तो कोई वसूली की है और न ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, जो पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के अनुसार पूर्णतः गलत है। पूर्व विधायक का आरोप है कि खाद्य विभाग द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि यह गेहूं प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न वितरण हेतु रखा गया था। उचित इफ्रा कैप द्वारा जानबूझकर इस गेहूं को खराब किया गया और उसमें भारी मात्रा में हेरा फेरी की गई। इस हेरा फेरी को छुपाने के लिए अब फर्जी नीलामी की प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है। केपी त्रिपाठी ने अपने पत्र में मांग की है कि उदित इफ्रा केप में भंडारित किए गए गेहूं की जांच करवाई जाए और उन्हें खराब करने के आरोप में 31,724.14 क्विंटल गेहूं की कुल कीमत 7,93,00,000 रूपए की तत्काल वसूली कराई जाए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, ताकि इस प्रकार की धांधली और धोखाधड़ी को रोका जा सके। पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले में शीघ्र और बड़े कदम उठाए जाए, ताकि इस तरह की अनियमितताओं पर नकेल कसी जा सके और भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह न केवल शासन की संपत्ति का नुकसान है, बल्कि गरीबों के हक का भी सवाल है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले के त्वरित समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि वह खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सख्त सुधार करे और इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करे, साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।